हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर अनंत चतुर्थी तक गणेश महोत्सव मनाया जाता है। 10 दिन तक चलने वाले इस त्यौहार में शुभ मुहूर्त के दौरान घर के मंदिर या पूजा पंडालों में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। गणेश जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना होती है। इसके बाद 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। देश भर में गणेश चतुर्थी बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस साल गणेश चतुर्थी की शुरुआत 18 सितंबर को दोपहर 2:09 पर होगी और 19 सितंबर को दोपहर 3:13 पर समाप्त हो जाएगी। उदयतिथि के अनुसार इस साल 19 सितंबर को गणेश उत्सव का आरंभ होगा। वहीं 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित किया जाएगा। मूर्ति स्थापना का शुभ योग 19 सितंबर को सुबह 11:07 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। इस शुभ योग में आप बड़े ही धूमधाम से गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी पर शुभ योग भी बन रहे हैं। दोपहर 1 तक स्वाति नक्षत्र का शुभ योग रहेगा। इसके बाद विशाखा नक्षत्र भी रात तक रहेगा। गणेश जी की मूर्ति स्थापना के लिए गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लें, घर का मंदिर साफ कर लें और चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। अब शुभ मुहूर्त में पूर्व या उत्तर दिशा में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी की प्रतिमा के बगल में रिद्धि सिद्धि को स्थापित करें। अब गणेश जी को हल्दी, द्रुवा, इत्र, मोदक, चंदन, अक्षत समेत सभी पूजन सामग्री चढ़ाएं। गणेश जी को धूप दीप दिखाएं और गणेश जी के साथ सभी देवताओं की आरती उतारें। पूजा के पश्चात गणेश जी के मंत्र ओम गम गणपते नमः का जाप कर सकते हैं। इस दिन हम बहुत सारे उपाय भी कर सकते हैं जिससे हम अपनी जिंदगी को बहुत ही सुख समृद्धि और खुशियों से धन दौलत से भर सकते हैं। इस दिन गणेश जी का अभिषेक करना शुभ बताया गया है। चतुर्थी के दिन गणेश जी का अभिषेक करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। अभिषेक करने के बाद गणपति अथर्वशीष का पाठ अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार गणेश यंत्र बहुत ही चमत्कारी यंत्र होता है। इसकी स्थापना यदि चतुर्थी पर की जाए तो विशेष फलदायी होती है। घर में इस यंत्र की स्थापना व पूजा करने से विशेष लाभ मिलते हैं। यदि आपके जीवन में काफ़ी लंबे समय से कोई परेशानी चल रही है तो गणेश चतुर्थी के दिन हाथी को हरा चारा खिलाएं और भगवान गणेश के मंदिर जाकर परेशानियों से निदान पाने की प्रार्थना करें। हाथी को हरा चारा खिलाने से जीवन की परेशानियां कुछ ही दिनों में दूर हो जाएंगी। यदि आप धन संबंधी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो चतुर्थी के दिन स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री गणेश को गुड़ और शुद्ध घी का भोग अवश्य लगाएं। फिर इस भोग के प्रसाद को गाय को खिला दें। यह उपाय धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर जाकर गुड़ की 21 गोलियां बनाकर ध्रुवा के साथ चढ़ाएं। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। गणेश चतुर्थी के दिन पीले रंग की गणेश की मूर्ति घर में स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजन करें। यदि पीले रंग के गणेश जी की प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो श्री गणेश को हल्दी की 5 घट चढ़ाएं और श्री गणपते नमः मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद 108 ध्रुवा गीली हल्दी लगाकर भगवान गणेश जी को अर्पित करें। इससे सफलता के सारे रास्ते खुल जाते हैं और नौकरी में भी प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि आपको क्रोध अधिक आता है तो चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश को लाल रंग के फूल अर्पित करें और अपने गुस्से को शांत करने के लिए श्री गणेश से प्रार्थना करें।
10 दिन तक ऐसा करने से आपका क्रोध व गुस्सा शांत होने लगेगा। संतान प्राप्ति में अगर परेशानी आ रही है तो गणेश चतुर्थी के दिन गणपति के बाल रूप की स्थापना करके उनकी पूजा करें और ओम गम गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और संतान गणपति स्त्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से आपको संतान की प्राप्ति होगी। यदि आपके परिवार में कलह या अन्य प्रकार की समस्या चल रही है तो चतुर्थी के दिन ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का जाप करें और यह मूंगे की माला से करें। ऐसा करने से घर में चल रही परेशानी और पारिवारिक कलेश से छुटकारा मिल जाता है। श्री गणेश की पूजा में सूखा चावल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए और जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए श्री गणेश की पूजा के दौरान उन्हें गीला चावल अर्पित करें। कहते हैं कि चावल श्री गणेश को बहुत पसंद है, इसलिए उनकी पूजा में चावल अवश्य चढ़ाएं।